Subscribe and press the bell icon for latest update. मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट का मामला लगातार तुल पकड़ रहा है। आज सीएम केजरीवाल के आवास की दिल्ली पुलिस ने जांच की, जहां से 21 हार्ड डिस्क बरामद किए गए और फिर बताया कि कैमरों की टाइमिंग गलत सेट की गई थी। तो वहीं केजरीवाल ने कहा कि दो थप्पड़ के आरोप पर जांच की जा रही है, तो अमित शाह के बेटे जय शाह की भी जांच होनी चाहिए। इसी बीच इस मामले पर आप विधायक के भी बिगड़े बोल सामने आए हैं। जी हां, पवन शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि इससे अच्छा तो उस काम ना करने वाले निकम्मे को ठोक ही देना, इल्जाम तो लगाना ही था, करो या नहीं। जी हां, वेरीफाइड अकाउंट से पवन ने बताया कि वो नेशनल काउंसिल का सदस्य है। साथ ही ट्विटर के माने तो ये शख्स दिल्ली का पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रह चुका है। खुद को अरविंद केजरीवाल का सिपाही बताने वाला आप नेता अलका लांबा ने भी ट्विटर पे ट्वीट किया है। गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल ने रात में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ आपात बैठक के लिए बुलाया था, जहां पर आप विधायकों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।